नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जॉन डियर ट्रैक्टर और कुबोटा ट्रैक्टर दोनों ट्रैक्टरों का वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं। और आज तक आपने जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे वाइब्रेशन टेस्ट के, उससे हम थोड़ा सा अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास है पानी से भरा हुआ ग्लास है, और एक है पेन मोटी वाली मार्कर पेन, और ये है 5 का सिक्का। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे कुबोटा ME4500 ट्रैक्टर और जॉन डियर 5039D पावर प्रो ट्रैक्टर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहेगा, और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिल पाए। तो चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कई सारे वाइब्रेशन टेस्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर को वाइब्रेशन टेस्ट में चालू ही दिखाते हैं, यानी कि शुरू से स्टार्ट करके ट्रैक्टर को नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ट्रैक्टर को बंद होने के बाद स्टार्ट करेंगे तो असली वाइब्रेशन टेस्ट का पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी तरह से अलग अलग तरीके से आपको दिखाने वाले हैं कि ट्रैक्टर के अंदर कितना वाइब्रेशन है, और ग्लास को अलग अलग जगह के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि वाइब्रेशन कितना आता है ट्रैक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ग्लास को देखेंगे। तो देखो, जॉन डियर में अभी ग्लास को भर दिया है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कितना वाइब्रेशन आ रहा है वो हम शुरू से स्टार्ट करके देखेंगे। और ट्रैक्टर के RPM पहले शुरू में रखेंगे आइडल RPM, यानी कि जॉन डियर के 700 आइडल RPM है। तो 700 RPM पर ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो दोस्तों, स्टार्ट होने के बाद पहले शुरुआत में थोड़ा सा वाइब्रेशन आया है, और अभी कुबोटा को देखेंगे और इसी तरह कितना वाइब्रेशन आता है। और अभी देखो, आइडल RPM है, अभी 700 RPM आइडल है, और कितना वाइब्रेशन आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर के वाइब्रेशन से पानी नीचे नहीं गिर रहा, और पानी कितना हिल रहा है वो आप देखते रहेगा। और अभी जॉन डियर की जैसे ही कुबोटा को देखेंगे तो यहाँ पर ग्लास पूरा भरा हुआ है, कुबोटा का भी पूरा ग्लास भरा हुआ है। और अभी इसको स्टार्ट करेंगे, कुबोटा के आइडल RPM है 800 आइडल RPM, 800 आइडल RPM के आसपास कुबोटा स्टार्ट हो रहा है अभी। तो देखो, तो दोस्तों, चालू करने के बाद थोड़ा थोड़ा ग्लास हिला था जॉन डियर के जैसे ही, लेकिन स्टार्ट होने के बाद कुबोटा का वाइब्रेशन एकदम नॉर्मल है, थोड़ा ही वाइब्रेट करता है। देखो, जॉन डियर का ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। तो आज हम यही वीडियो में देखने वाले हैं कि कई सारे वीडियोस में आपको दिखाते होंगे कुबोटा का वाइब्रेशन बहुत कम है, तो इसी को हम दूध का दूध और पानी का पानी चेक करने वाले हैं कि सही में कुबोटा का वाइब्रेशन कम है या नहीं है। तो अभी देखो, कुबोटा का वाइब्रेशन एकदम नॉर्मल है। RPM के आसपास ट्रैक्टर चालू है आइडल RPM पर, और वाइब्रेशन आप देख सकते हैं, ना के बराबर वाइब्रेशन है। और जॉन डियर का देखिए, जॉन डियर का वाइब्रेशन कुबोटा की कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर यहाँ पर रख के देखें तो भी जॉन डियर का ज़्यादा है, देखो उतना ही वाइब्रेशन, सेम वाइब्रेशन है। यहाँ पर रखे और यहाँ पर, दोनों जगह के ऊपर वाइब्रेशन सही है। और अब ट्रैक्टर के RPM बढ़ाने वाले हैं, 1500 RPM करने वाला हूँ मैं। देखो, 1500 RPM कर दिए, 1500 RPM, और वाइब्रेशन देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वाइब्रेशन उतना ही है। और कुबोटा का 1500 RPM करेंगे, और उसमें देखेंगे वाइब्रेशन कितना बढ़ता है या नहीं बढ़ता। देखो, कुबोटा का भी 1500 RPM कर दिया है, और इसका भी वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं हुआ, उतना ही वाइब्रेशन है।
तो अब दोस्तों 2000 आरपीएम करने वाले हैं, ट्रैक्टर के फुल आरपीएम करेंगे और देखेंगे कि कितना वाइब्रेशन होता है। फुल आरपीएम करने के बाद पानी उबलता हुआ नजर आता है। अब कुबोटा को देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जॉन डियर के कंपैरिजन में कुबोटा का वाइब्रेशन कम है, आइडल आरपीएम के ऊपर भी कुबोटा का कम वाइब्रेशन है और फुल आरपीएम के ऊपर भी कुबोटा का वाइब्रेशन कम है। अब दोस्तों पैन की बारी है। तो दोस्तों अब हम इस मार्कर पैन को दोनों ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्कर पैन गिर जाती है या खड़ी रहती है। तो सबसे पहले कुबोटा की बारी है और कुबोटा के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर देखेंगे मार्कर पैन खड़ी रहती है या नहीं रहती। तो देखिए मार्कर पैन कुबोटा के ऊपर खड़ी हो चुकी है और ट्रैक्टर के आरपीएम की बात करें तो आइडल आरपीएम पर है 900 आरपीएम के ऊपर। अब आरपीएम को बढ़ाएंगे और देखें कि पैन गिर जाती है कि नहीं गिर जाती। दोस्तों आरपीएम बढ़ाने के बाद पैन धीरे धीरे सड़क के नीचे गिर चुकी है। अब जॉन डियर को देखेंगे इसी तरह। जॉन डियर को भी यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे पैन को। दोस्तों जॉन डियर के ऊपर पैन तो खड़ी हो चुकी है लेकिन पैन हिल रही है, आपको दिख रहा होगा पैन आइडल आरपीएम के ऊपर भी हिल रही है। देखो यहाँ पर आइडल आरपीएम है 700 आरपीएम और पैन ऑटोमेटिक गिर गई है नीचे। फिर से ट्राई करते हैं तो देखो आइडल आरपीएम के ऊपर है ट्रैक्टर अभी और पैन यहाँ पर खड़ी है अपने आप और थोड़ी सी हिल रही है। तो देखो अभी आरपीएम बढ़ा के देखेंगे। पैन गिर चुकी है और जॉन डियर में इस जगह पर पैन खड़ी रहती है, यहाँ पर नहीं खड़ी रहती क्योंकि यहाँ पर प्लेन जगह नहीं है और यहाँ पर भी नहीं खड़ी रहती, यहाँ पर भी सब किसी भी जगह पर खड़ी नहीं रहती क्योंकि इसका जो बॉनेट है वो उसका शेप ऐसा है कि इसका सरफेस प्लेन नहीं है, कुबोटा में प्लेन है और जॉन डियर में यहाँ पर खड़ी रहती है सिर्फ, ऐसा मैंने ट्राई करके देखा है। तो जॉन डियर में सिर्फ इसी जगह के ऊपर खड़ी रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से हम देख रहे हैं आरपीएम बढ़ाने के बाद जॉन डियर में पैन गिर जाती है और कुबोटा में गिरती नहीं है। देखो बहुत देर के बाद गिर जाती है। आइडल आरपीएम में तो देखो आराम से पैन खड़ी है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही और आरपीएम बढ़ाने के बाद देखेंगे। देखो
हमें फुल आरपीएम कर दिए हैं। तो दोस्तों अब बारी है 5 के सिक्के की। दोनों चीज़ें टेस्ट करने के बाद हम 5 रुपये के सिक्के को ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा करेंगे। तो देखो ये 5 रुपये का सिक्का है और इसको कुबोटा ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा करके देखेंगे कि ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा रहता है या नहीं खड़ा रहता। तो देखो 5 रुपये का सिक्का खड़ा तो रहता है लेकिन गिर जाता है। इसको ट्राई करेंगे। तो देखो अभी तो खड़ा तो हो गया है 5 रुपये का सिक्का लेकिन हिल तो रहा है, कब गिर जाए ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते। दोस्तों फिर से ट्राई करेंगे। ट्रैक्टर आइडल आरपीएम के ऊपर खड़ा है देखो, और सिक्का आइडल आरपीएम के ऊपर खड़ा तो रहता है लेकिन थोड़ी देर के बाद गिर जाता है देखो। अब जॉन डियर में देखेंगे, ट्रैक्टर आइडल आरपीएम के ऊपर है और सिक्के को खड़ा करके देखेंगे। दोस्तों जॉन डियर में 5 रुपये का सिक्का शो के ऊपर खड़ा नहीं हो रहा है। इसका वजह यह भी हो सकता है कि जॉन डियर का शो है वो यहाँ पर प्लेन जगह नहीं है। तो दोस्तों अब मडगार्ड के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। तो देखो मडगार्ड के ऊपर स्लो आरपीएम के ऊपर इतना वाइब्रेशन आ रहा है। अब आरपीएम को बढ़ाएंगे। मडगार्ड के ऊपर तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, सेम वाइब्रेशन है। तो दोस्तों अब वाइब्रेशन टेस्ट को मडगार्ड के ऊपर ट्राई करेंगे जॉन डियर को। तो देखो यहाँ पर ग्लास भरा हुआ रखा है और ट्रैक्टर को चालू करेंगे। कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है देखो, 1500 आरपीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है।
फुल आरपीएम के ऊपर भी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। देखो तो दोस्तों, मडगार्ड के ऊपर भी दोनों ट्रैक्टरों में वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोस्तों, जो भी रिजल्ट था आपके सामने था, आपको किसका वाइब्रेशन ज़्यादा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से कहे तो कुबोटा का वाइब्रेशन कम है जॉन डियर की कंपैरिजन में, और ट्रैक्टरों से भी कुबोटा का वाइब्रेशन कम है। वाइब्रेशन टेस्ट में कुबोटा पास हो गया है। तो दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।